भाई गवर्नर हाउस में जो है वो चूड़ियों और मेहंदियों का एहतमाम हो गया और हमारे साथ मौजूद है डकी भाई। डकी भाई क्या कहेंगे, कराची आप पहुंचे हैं खासकर चूड़ियों और मेहंदी के प्रोग्राम में, लोग कहेंगे कि चूड़ियां लगाने या पहनने के लिए तो नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी आया था गवर्नर गवर्नर सिंह हाउस, तो मुझे ज़ायद भाई ने जो है पूरा रूम दिखाया है, ये पीछे भी दिखाएं कि डब्बे वगैरह पड़े हैं, और इसने बताया कितने, तकरीबन 80,000, 80,000 से ज्यादा यहाँ पे अस्सी डब्बे हैं हजार चूड़ियों जो और है मेहंदियों के। डब्बे हैं चूड़ियों के और मेहंदी के। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि गवर्नर सिंह साहब, कामरान कसौली साहब चाहते हैं कि सब आके जो है ईद इंजॉय करें, तो ओपन इनविटेशन है, लाइक एनीवन कैन कम, सब लोग आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और ट्राई कर रहे हैं, साथ भी हमारे साथी हो, मैं भी चूड़ियाँ पहनूंगा ना, मेहंदी लगवाएंगे और साथ ही दिखाते हैं हम क्या लिखेंगे अपने हाथ में। यार हम लिखेंगे जी सब्सक्राइब सब्सक्राइब गवर्नर सिंह। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, सबको ईद इंजॉय करने का हक है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी भाई कराची आप आए हो, वैसे तो लाहौर में आपकी मसरूफियां ज्यादा रहती है, कराची में वैसे आपकी जो सब्सक्राइबर है बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, आपको पसंद करते हैं, जब आप कराची में जब बाहर निकलते हैं तो मुश्किल नहीं हो जाता, लोग आपके ऊपर चिमट जाते होंगे तस्वीरें खिंचवाना, तो कराची से इसे घूम पाते भी हो या नहीं घूम पाते? नहीं घूम पाते हैं, मतलब अनाउंस करके तो नहीं मैं जाता कि मैं, मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अगर अनाउंसमेंट लोगों को पता हो तो फिर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रश लग जाता है, वरना चलो थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन वो भी ठीक है, क्योंकि जाहिर है लोगों का प्यार है, तो फिर हम हैं, वरना हम हमें कौन पूछेगा, तो लोगों को भी टाइम दे देते हैं, फोटो शोटो ले लेते हैं। तो ये जो चूड़ियाँ और ये जो मेहंदी हम देख रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आप होंगे या बस आज के बाद फिर आप निकल जाएंगे, वो ईद जो है वो अपनों में मनाएंगे? नहीं नहीं कोशिश पूरी करूँगा मैं, अब जाहिर है मेरे सारे तो फैमिली उधर लाहौर बैठी हुई है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि पहला आने, हाँ। आने। ये वैसे जैद भाई की मोहब्बत आपको बड़ी खींच के ले आती है कराची। चलो बस ठीक है, हम लोग अगर ना भी हो पाए तो मैं वैसे एक सेट ले लूंगा, ठीक है, ये एक सेट बल्कि मैं अपनी जेब में रखूंगा, कोशिश पूरी है। हाँ, कोशिश पूरी है भाई। ये इस वक्त जो है वो डकी भाई यहाँ पर मौजूद थे और पूरी कराची में जो है वो लोग दूर दूर से आएंगे और हमारी बहनें आएंगी जो कि यहाँ पर सेट तैयार हो चुके हैं, और भी लाड़ यहाँ पर आएगी, ये सामने आप देख सकते हैं ये चूड़ियां हैं। भाई एक आखिरी मैसेज क्या देंगे हमारी बहनों के लिए आप? कि वो आ सकती हैं गवर्नर्स हाउस में, आ सकती हैं और वो अपना इंजॉय कर सकती हैं, ईद चूड़ियों का सेट लेके जा सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं, लगवा भी सकती हैं, दूसरों को भी लगा सकती हैं, तो उनका बड़ा अच्छा टाइम जो है वो गुजर सकता है। गवर्नर साहब ने जो है वो एक और इनिशिएटिव लिया जो कि आईटी के लिए 50,000 जो लोग हैं बच्चे हैं कराची के वो यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे। अच्छा। और आईटी में एक बड़ा स्कोप मिलेगा, तो आप तो चूंकि आपका सोशल मीडिया से बड़ा ताल्लुक रहा है, तो आईटी में बच्चे अगर वाबस्ता हो जाते हैं तो गवर्नर साहब के इस इनिशिएटिव को आप कैसा देखते हो, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया जो है आईटी पे ही चलती है, टेक्नोलॉजी पे दुनिया चलती है, और पाकिस्तान में कम ही लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गवर्नर साहब ने जो है इस इनिशिएटिव को लिया कि आईटी को जो है प्रमोट किया जाए और उसकी नॉलेज दी जाए यंगस्टर्स को, लोगों को, तो वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी की गेम है और आईटी की गेम है, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं आपकी तनख्वाह वैसे नहीं पूछूंगा, वैसे जो आप पैसे आपके आते हैं वरना तो एफआईए वाले पीछे पड़ जाएंगे। अब हल्का फुल्का हम लोग पॉडकास्ट में शुगर लगा लेते हैं तो वो लोग सीरियस, ये बात क्या बात है, क्या बात है।